वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय, पत्रकार की रिपोर्ट। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने की प्रेस वार्ता। खबर वाराणसी से है, जहां पर सोमवार को सर्किट हाउस में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के दौरान विकास कार्यों की चर्चा की। वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किए गए ट्वीट पर तंज कसा। जो आपका विभाग है उससे भी वंचित हैं लोग, और कभी कभी आते हैं शहरों में तो जो अधिकारी होते हैं उनको थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, तो सोच चले जाते हैं, तो इसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की? दिव्यांग जन सशक्तिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के प्रत्येक दिव्यांग जन के जीवन में उजियारा हो, प्रत्येक दिव्यांग जन अपने पैरों पर खड़ा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मेरी कोशिश है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से हम दूरस्थ गांवों तक भी दिव्यांग जनों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ देंगे, इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाएंगे और दिव्यांग जनों के लिए क्या क्या और अच्छे कार्य हो सकते हैं। चूंकि हमारी सरकार ने दिव्यांग जनों के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपया प्रतिमा अनुदान देने का कानून हमारी सरकार में बना, इसको 1,500 करने का प्रस्ताव भी हमारी सरकार के पास विचाराधीन है। दिव्यांग जनों के बौद्धिक विकास के लिए समेकित विद्यालयों का निर्माण करके हमारी सरकार बड़े आयाम को अंजाम देने वाली है। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा समेकित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हायर एजुकेशन में भी दिव्यांग जनों को लाकर हम उनके लिए बड़े बड़े आयाम पैदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों के लिए कि हमारी सरकार, हमारा विभाग दिव्यांग जनों के कल्याण और हित के लिए प्रत्येक वो कार्य करेगी जिसकी अपेक्षा दिव्यांग जन हमसे रखते हैं। पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए भी मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ों की बहुत चिंता करते हैं। 22 हम जैसे विधायकों को उन्होंने अपने कैबिनेट में स्थान देकर 41% मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के, और उनकी कोशिश है, उनकी घोषणा है, भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण पत्र का संदेश भी है कि हम उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के बच्चों को हायर एजुकेशन में, चाहे प्रशासनिक सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, विधि सेवाएं हैं, प्रत्येक बड़ी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के बच्चों की सहभागिता हो, इसलिए कोचिंग सेंटर और प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित करने का फैसला भी हमारी सरकार की तरफ से हो गया है। मैं कह सकता हूं कि पिछड़े वर्गों को नए नए स्कीम देकर हमारी सरकार उनको उनके पैरों पर खड़ा करेगी, दिव्यांग जनों के जीवन में उजाला लाके उनके जीवन को सार्थक करने में आगे बढ़ेगी। तो ये मेरी सूचना है। अगर बात की जाए तो किस तरह की प्रेस वार्ता रखी, इसका क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण ओबीसी मोर्चे के अभियान और सरकार की उपलब्धियों को लेकर बुलाई गई है। आपके संज्ञान में लाना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी मोर्चे ने ये निश्चित किया है कि ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण वर्ग काशी में ओबीसी मोर्चा करने वाला है। जिस प्रशिक्षण वर्ग में केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का आगमन होना संभावित है, और संगठनात्मक दृष्टि से भी हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है। तो विशेष तौर से आज प्रथम हमारा जो बिंदु है कि ओबीसी मोर्चा काशी में प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करके प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समाज की परिस्थिति को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी, नंबर एक। और नंबर दो, मैंने ये विषय भी आज आपके बीच में रखना है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस दूसरे कालखंड में हमारी सरकार ने बहुत ही सफलता के साथ
अपनी शुरुआत की है। 100 दिन के रोड मैप के अंतर्गत जो जो कार्य मंत्री परिषद के सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किए थे, मैंने भी अपने दोनों विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के माध्यम से दोनों ही विभागों के 100 दिन के रोड मैप के अंतर्गत दिए गए कमिटमेंट को पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से हमारे सभी मंत्रियों ने भी अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही भी है, संवेदनशील भी है और सरकार का लक्ष्य है कि इस 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार के द्वारा घोषित अभियान सबका साथ और सबके विकास की नीति को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतरीन शासन, बेहतरीन सुशासन और विकास की योजनाओं का लाभ देकर हम प्रदेश की जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण पत्र के सभी वायदों को पूरा करेंगे। तो वोट करने जा रहे हैं और लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, उनका जो है वोट बदल गया, क्या लग रहा है बीजेपी में आने की संभावना है? सत्य तो सत्य है, सत्य को कोई नकार नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की नीतियां, पार्टी की विचारधारा देश और दुनिया में आज प्रख्यात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ये घोषित करती है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। इस पार्टी की विचारधारा दल से बड़ा देश की हो, निश्चित है कि तमाम राजनीतिक दलों का रुझान उस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी परिवारवाद की राजनीति से और एसीवाद की राजनीति से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। वो शायद प्रदेश की चिंता कर रहे हैं और प्रदेश की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करना ओम प्रकाश राजभर जी का हमारे लिए सुखद स्थिति है और उनके लिए भी सुखद विश्लेषण है। और ऐसे अकेले नहीं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में हैं जिन्होंने यूपीए के घटक, बड़े घटक से अलग होके एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देके इस बात को साफ कर दिया है कि मोदी योगी का नेतृत्व आज देश और दुनिया में भारत के नक्शे को बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही प्रतिष्ठित करने वाला है। मंत्री जी बात्री भी आएंगे, बड़े नेताओं का आगमन होगा, लेकिन कौन कौन आएंगे, किस किस की सहमति होगी, इसकी सूचना में आपको बाद में सहमति मिल जाने के बाद दे दूंगा। मंत्री जी अगर बात की जाए तो 100 दिन का आप रिपोर्ट कार्ड पेश करें, लेकिन लगातार विपक्ष भी इस पे सवाल उठा रहा है, इस पे क्या कहना है? विपक्ष अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सफल नहीं हो पा रहा है। वो जानते हैं कि पिछले 5 साल का आदरणीय योगी जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत सफल कार्यकाल रहा है। जिस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई, एक भी दंगा नहीं हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली का प्रबंधन अच्छा हुआ, बेरोजगारी दर 18% से घट के 2.7 रह गई, इससे बड़ा परिणाम और प्रदेश की सरकार क्या दे सकती है? शायद विपक्षी दलों को नहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है, नौजवानों की तकदीर को बदला है, कोविड की महामारी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निशुल्क भोजन यानी राशन देके हमारी सरकार ने प्रत्येक गरीब आदमी की चिंता की है। तो विपक्ष मुद्दा विहीन है, जिम्मेदारियों से बुकरा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि इन 5 वर्षों में हमारा प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की संज्ञा को प्राप्त कर लेगा। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी जल्दीबाजी में उद्घाटन किए हैं, उसको समझ नहीं पाए। अखिलेश जी चाहते हैं कि ये योजनाएं 10-10, 5-5 साल चलें, ठेकेदार बदले जाएं, कमीशन घटता बढ़ता रहे। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने पहले उस सड़क का लोकार्पण कर दिया, श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देनी चाहिए थी, धन्यवाद करना चाहिए था कि कैसी सरकार प्रदेश में आई है जो समय से पूर्व कार्य करने की क्षमता रखती है। तो श्री अखिलेश यादव जी का ये कहना कि जल्दबाजी में हमारे जल्दी काम करना अच्छा है कि देर से काम करना अच्छा है, प्रदेश की जनता समझ रही है, आजमगढ़ के लोग समझ गए, रामपुर के लोग समझ गए, 80 में से 80 जीतने का एक लोगों में बात शुरू हो गई है, तो सबको समझ में और आने वाले समय में आ जाएगा।